फायर ट्रक। काशीबाग नाम के गांव में एक फायर स्टेशन था। एक दिन एक आदमी उस स्टेशन पर आया, वहां के अफसर को सल्यूट मार के उन्हें एक लेटर दिया। वो लेटर पढ़कर, ओ वेरी गुड, तो तुम ही हो जगजीवन, सुना है कि तुम्हें उत्तम फायर फाइटर का अवार्ड भी मिला है। वेलकम टू कंचनबाग स्टेशन। थैंक यू सर, वैसे मेरी यहाँ क्या ड्यूटी होगी सर? क्या जोक कर रहे हो यार, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी ड्यूटी क्या है? अच्छा समझ गया, तो तुम मुझसे मेरी ड्यूटी याद दिला रहे हो। नया ट्रांसफर होकर आने वाले को स्टेशन ऑफिसर सब कुछ बताना चाहिए, यही ना? और मैं भूल गया था, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम रूल्स के बहुत पाबंद हो। तुम्हारा काम है कि कोई भी फोन करे तो तुम तुरंत जाकर आग बुझा देना। जहाँ भी आग दिखाई दे वहाँ जाकर तुम उसे बुझा देना। काफी है या कुछ और बताऊँ? एक दिन जगजीवन फायर ट्रक लेकर जा रहा था कि सड़क के किनारे बहुत तेज की आग की लपटें दिखाई दी। उसने तुरंत पानी मारना शुरू किया। थोड़ी देर में आग बुझ गई। एक आदमी दौड़ता हुआ आया, अरे पानी क्यों मार रहे हो? क्यों का क्या मतलब, जानते हो कि यूं आग की लपटें निकली तो कितना खतरा हो सकता है, इसीलिए पानी डालकर बुझाया। दिमाग ठीक है, ये ईंटों की भट्टी है, भट्टी में ईंट जलाएंगे तो आग नहीं निकलेगा तो और क्या होगा, तुम्हें ये नौकरी किसने दी? कहकर उसे मारने आया तो उसे पानी से मारा, वो उस पानी के बौछार से दूर जा गिरा। एक और दिन फिर एक फायर ट्रक पर जाते हुए वो दूर से उसको आग दिखाई दी। साइकिल और स्कूटर पर जाने वाले उस आग को देखते हुए जा रहे थे। उन्हें देखकर जगजीवन, धत ये कैसे लोग हैं, वहाँ ऐसी आग लगी है और ये परवाह किए बिना जा रहे हैं, कम से कम फायर इंजन के लिए फोन तो कर सकते थे, ऐसे लोगों की वजह से ही देश का नाश हो रहा है। अच्छा हुआ कि मैं सही समय पर यहाँ पहुँच गया हूँ, नहीं तो आग दिल्ली तक फैल जाती। कहकर पानी मारने लगा। यूं पानी मारने लगा तो लोग सड़क के पास रुक कर हैरान होकर देखने लगे। आग बुझाने के बाद उन्हें देखकर जगजीवन, क्यों फिल्म देख रहे हो क्या नालायको, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? क्या आप लोग नहीं जानते कि आग दिखाई देने पर हमें फोन करना चाहिए? कहकर डांटने लगा, हेलो तमीज से बात करो, डंप यार्ड है बेवकूफ, गांव भर का कूड़ा यहां पर लाकर इसे जलाते हैं, उसे क्यों बुझा दिया गधे? कहकर डांटने लगा। गलती तुमने की और ऊपर से हमें गाली देते हो, कहकर वे सब उसे मारने ही वाले थे कि जगजीवन ने उन पर पानी का बौछार किया। बस वे दूर जाकर गिरे। वहां से जाकर एक ढाबा के पास रुका और वहां चूल्हे में लगी आग को बुझाया। बस सब लोग भाग गए। इसी तरह समोसे और पकौड़ों की रेडियो में भी पानी मारा, इससे वे गाड़ियां उछल कर जा गिरी। वो यूं सारा आग बुझाते हुए शाम को स्टेशन लौटा। वहां उससे पीड़ित सब लोग वहां उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सर देखिए सर, ये आया है, डंप यार्ड का आग बुझाकर हमें ही गाली देता है, हमारी रेडियो में पानी मारा है सर इसने। सर जगजीवन ये सब क्या है, ये हो क्या रहा है? सर आपने ही तो कहा था ना कि जहां आग दिखाई दे पानी मारो, इसीलिए मारा सर। An officer should follow the rules of the office which is created by the office in the hands of the officer for the purpose of the rules which are meant for the officers ruled by the office। उसकी बात समझ में नहीं आई तो अफसर ने सिर पकड़ लिया। तभी दो व्यक्ति वहां आए। सर मुझे माफ करें, मैं हूं असली जगजीवन, जब इतने दिनों से मुझे ट्रांसफर ऑर्डर्स नहीं मिले तो मैंने जाकर डाकखाने में पूछा। उन्होंने बताया कि वे गलती से किसी और एड्रेस में भेज दिया। हाँ सर, वो गलती से हमारे घर आया, वो हमारा बेटा है, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है सर, ये लेटर लेकर कहीं चले गया है, बाद में पता चला कि वो यहाँ है तो हम उसे लेने यहाँ आ गए, कृपया करके उसे कुछ ना करें सर, उसे छोड़ दीजिए प्लीज। हाय मम्मी, क्या हुआ, तुम उन्हें सॉरी क्यों कह रही हो? ओ यू वांट टू गो होम, ओके चलो चलते हैं। डियर ऑफिसर, शी इज माई मदर एंड आई एम सन ऑफ दिस मदर, we both are mother and son, she is the mother of me also, I am son of this mother, like we both are mother and son, same son। बस ऑफिसर बेहोश होकर गिर गया।
मोबाइल एटीएम। कामतपुर गांव में एटीएम ना होने के कारण लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी। उसी इलाके में बिल्ला और रंगा नाम के दो ठग रहते थे। वे दोनों जब उस गांव में थे तो दो व्यक्ति यूं बात कर रहे थे, अरे यार और कितने दिन, अपने गांव में एटीएम नहीं आएगा क्या? अरे वही तो, मैंने कलेक्टरों को, मिनिस्टर्स को, बैंकर्स को कितने लेटर लिखे, पर अपनी किस्मत ऐसी है कि कोई अपनी परेशानी समझता ही नहीं। ये बातें सुनकर बिल्ला और रंगा ने एक दूसरे की शक्ल देखी और कोई प्लान बनाया। उसके बाद सिर्फ रंगा उनके पास जाकर, सर मैंने आप लोगों की बातें सुनी, मैं जानता हूँ कि दूसरों की बातें सुनना गलत है, मुझे माफ करें, आपके गांव की एटीएम की समस्या का मेरे पास एक हल है। आजकल उन इलाकों में जहाँ एटीएम ना हो वहाँ मोबाइल एटीएम जा रहे हैं। सत्यनाश बैंक यानी एसएन बैंक वालों ने ये प्रबंध किया है। सत्यनाश बैंक, ये क्या है? सत्यनाश अपने हिंदी वाला सत्यनाश नहीं है सर, वो जर्मनी भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा में इसका मतलब है विश्वास। आप चाहो तो अभी मैं एसएन बैंक वालों से फोन करके कल ही आने को कहता हूँ, कहकर फोन किया और स्पीकर ऑन में रखा। दूर खड़ा बिल्ला फोन उठाकर लड़की के आवाज में, एसएन बैंक में आपका स्वागत है, कहिए हम आपकी क्या सहायता करें? मैडम मैं कामतपुर गांव से बात कर रहा हूँ, यहाँ एटीएम नहीं है, क्या आप यहाँ एक मोबाइल एटीएम भेज सकते हैं प्लीज? जरूर भेजेंगे सर, कल 10 बजे आपके गांव में मोबाइल एटीएम आ जाएगा। एसएन बैंक में फोन करने के लिए आपका धन्यवाद। देखा काम हो गया, जाकर गांव में सबको बताइए, वृक्षों का संरक्षण करना हम सबकी जिम्मेदारी है, इसीलिए रसीद नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं ना? जी हाँ, वृक्षों का संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है, जब एटीएम ही आ रहा हो तो रिसीट का क्या करेंगे? वाकई आपको थैंक्स कहना चाहिए सर। अगले दिन उस गांव में एक एटीएम ऑटो ट्रॉली आ पहुंची। बिल्ला पैसे लेकर अंदर एटीएम में बैठा था। ऑटो के रुकते ही लोग उसके पास लाइन में खड़े हो गए। सर एक के बाद एक आइए, 2000 से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते, आइए सर आइए, जल्दी आइए। यूं एक के बाद एक के कार्ड रखते ही बिल्ला अंदर से पैसे देने लगा। मोबाइल एटीएम में ज्यादा विड्रॉल नहीं कर सकते, उसकी कैपेसिटी सिर्फ 25,000 है, अब इसकी कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। क्या आप जानते हैं कि इसमें कैश जमा भी कर सकते हैं? आप में से कोई चाहे तो इसमें पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, बैंक तक जाकर लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है। सच, ये तो बहुत अच्छी बात है, रुकिए मैं अभी जाके पैसे लेके आती हूँ। आओ भाई आओ, कोई जमा करना चाहे तो वो जमा कर सकता है, एटीएम चला गया तो एक हफ्ते के बाद ही आएगा, आपको शहर जाकर बैंक में पैसे जमा करना पड़ेगा, आइए सर जल्दी आइए, कहकर आवाज देने लगा। बाद में गांव वाले डिपॉजिट करने के लिए लाइन में खड़े हो गए। डिपॉजिट का भी कोई लिमिट रखा है क्या सर? डिपॉजिट पर लिमिट रखने के लिए मैं क्या बेवकूफ हूँ? वो एसएन बैंक वाले जितना भी हो डिपॉजिट ले लेते हैं। इतने में अचानक बिल्ला ने जोर से छींक मारा। हच, ये क्या, एटीएम में से छींकने की आवाज आ रही है? अरे वो धूप में बारिश में घूमती रहती है ना, इसीलिए जुकाम हो गया होगा। अरे मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था, वो मशीन की आवाज होगी। आइए, यूं शाम तक खूब सारा पैसा लेकर एटीएम गाड़ी वहां से चली गई। कुछ दिनों बाद असली बात जानकर गांव वालों ने सिर पकड़ लिया। बाद में पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत भी की। ये प्लान अच्छा लगा तो बिल्ला और रंगा इसी को आगे बढ़ाने लगे। एक दिन एटीएम के पास लाइन में खड़ा, सर मैं 1,00,000 रुपए जमा करना चाहता हूँ, मशीन में जगह है? मुझे लगता है कि मशीन में जगह नहीं होगी, चलो रहने दे, मैं बैंक जाकर ही पैसे जमा करता हूँ। ये सुनकर अंदर से लालच में बिल्ला, जगह क्यों नहीं है, इसमें बहुत पैसे जमा कर सकते हैं, कहकर जोर से चिल्लाया। ये सुनकर वो आदमी रंगा का कॉलर पकड़कर, ए आई एम एसपी रंजीत कुमार, तुम दोनों को ही ढूंढ रहा था, कांस्टेबल्स अंदर की तलाशी लो। लाइन में मफ्टी में खड़े दो कांस्टेबल्स ने बाहर आकर अंदर से बिल्ला को पकड़ा। बिल्ला और रंगा को लोगों ने मिलकर खूब मारा। इसीलिए दोस्तों मेहनत से कमाए हुए पैसों के मामले में हमें हर दम सावधान होना चाहिए, है ना? ताड़ का पेड़। एक गांव में मोटू नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका असली नाम कोई नहीं जानता था, पर क्योंकि वो मोटा था तो इसलिए सब उसे मोटू 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 कहकर बुलाते थे। उसे रिक्शा वाले नहीं बिठाते थे, चले जाओ कहकर हाथ हिलाते थे। ऑटो वाले भी नहीं बिठाते थे, वे भी जाओ जाओ कहकर भेज देते थे।
होटल वाले भी उसके डर से नो एंट्री बोर्ड लगा देते थे। एक बार बस में चढ़ने लगा तो कंडक्टर ने उससे कहा, रामपुर के लिए 40 और जानकीपुर के लिए 60 रुपए लगेंगे। जानकीपुर के लिए 60 रुपए, पर वो तो सिर्फ 30 रुपए था, अब रेट बढ़ा दिया क्या? रेट नहीं बढ़ाया, तुमने ही शरीर बढ़ाया है। साधारण आदमी के लिए 30 रुपए, तुम्हारे जैसे डबल आदमी के लिए डबल रेट है। तुम बैठोगे तो पता है इंजन डीजल कितना पिएगा। चढ़ना है तो चढ़ो, नहीं तो ना सही। घर आया तो उसकी माँ ने उसे खाना परोसा। मोटू, ये क्या माँ, सिर्फ रोटी और सब्जी, मटन नहीं बनाया? बेटा, हर रोज मटन और चिकन खाने की हमारी हैसियत नहीं है। अपने पिताजी को देखो, कितनी मेहनत करते हैं। हालात को देखकर हमें चलना चाहिए। मैं 2 महीनों में पुलिस कांस्टेबल की नौकरी से रिटायर होने वाला हूँ। मैंने अपने उच्च अधिकारियों से बात की है तो वे तुम्हें नौकरी देने के लिए मान गए हैं, पर उन्होंने तुम्हें वजन कम करने के लिए कहा है। यूं ही मोटे रहे तो तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। मेहरबानी करके हमारे लिए तुम खाना कम करो, वजन कम करो। जरा वजन कम करोगे और पतले हुए तो तुम्हें ये नौकरी जरूर मिलेगी। इतने दिन घर की जिम्मेदारी मैंने संभाला, तुम्हें नौकरी मिली तो मेरी चिंता दूर हो जाएगी। सोचो बेटा। बाद में मोटू यूं सोचता हुआ पैदल चलता हुआ जंगल में जा पहुंचा। वहां एक ऊंचा ताड़ का पेड़ था। इतने दिन पिताजी पर बोझ बना रहा, अब भी यदि मैं घर की जिम्मेदारी ना संभाला तो शर्म की बात है। मुझे खाने की लत और आलस है, वजन कैसे कम करूं, पतला कैसे बनूं, कहकर सोचने लगा। तभी पेड़, बेटा मोटापा कम करना चाहते हो, पतले होना चाहते हो? मैं जैसा कहूंगा वैसा करोगे तो तुम मोटापा कम कर सकते हो। ये क्या पेड़ बोलता है, हैरानी की बात है। हाँ, मैं मोटापा कम करना चाहता हूँ, तुम जो कहोगे करूंगा, बोलो। मेरे पेड़ पर लगे फल को तुम हर रोज 10 तोड़कर खाओगे तो पतले हो जाओगे, खाओगे? तो फिर देरी किस बात की है, जल्दी से मुझे दो, मुझे ताड़ गोला बहुत पसंद है। मैं दूंगा तो उसका असर नहीं होगा बेटा, वैसे ही कोई और तोड़कर दे या पत्थर मारकर तोड़ो तो उसका कोई असर नहीं होगा। तुम्हें खुद चढ़कर तोड़ना होगा, एक बार चढ़ोगे तो एक ही फल तोड़ना होगा, याद रखो। मोटू ने तुरंत पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की। बहुत मुश्किल से थोड़ा चढ़ा था, फिर सर से फिसल कर उतर गया। फिर कोशिश करने लगा। पर फिर फिसला। इस तरह बहुत कोशिश किया तो आखिर चढ़ पाया। एक फल तोड़कर उतरा। फिर उस फल को खाया। फिर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। फिर फिसला। फिर बहुत कोशिश कर चढ़ा फल तोड़ा और उसे खाया। इस तरह उस दिन वो 2 बार ही पेड़ पर चढ़ पाया। बाप रे, हाथ पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, मुझसे नहीं होगा। अपनी कोशिश जारी रखो, रोकना नहीं, सफलता जरूर मिलेगी। इस तरह हर रोज आकर पेड़ पर चढ़ने लगा और फल खाने लगा। शुरू शुरू में मुश्किल होता था, पर आदत पड़ने पर आसानी से चढ़ने लगा। धीरे धीरे वो पतला होने लगा, वो पेड़ पर तेजी से चढ़ने लगा। एक महीने बाद आईने में अपने आप को देखकर, अरे वाकई मैं पतला हो गया, पेड़ ने सच कहा था, ऐसा उसने सोचा। बाद में पुलिस द्वारा आयोजित दौड़ में भाग लेकर जीता। हाई जंप भी जीता, तैराकी में भी जीता। परीक्षा में भी उत्तीर्ण हुआ। इस तरह उसे कांस्टेबल की नौकरी भी मिली। उसे देखकर माँ बाप बहुत खुश हुए। बाद में मोटू पेड़ के पास आया। तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारी चमत्कार से ही मैं दुबला हो गया हूँ, मेरी जिंदगी बदल गई। इसमें मेरा कोई चमत्कार नहीं है,
तुम हर रोज पेड़ पर चढ़ते उतरते थे तो शरीर को व्यायाम मिला। ताड़ गोले खाने से पेट भर गया तो तुमने चिकन और मटन खाना छोड़ दिया। इससे तुम्हारा वजन कम हो गया। कोई भी शरीर को काम देकर खाने में संतुलन रखे तो वजन कम करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसका तुम ही एक मिसाल हो। मोटू खुश होकर पेड़ को प्रणाम करके चला गया। तो जहां चाह वहां राह, क्यों ठीक है ना?